आज हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान रजत जयंती जो हमारा स्मारक लगा हुआ है तारागढ़ स्थित उसकी आज हम उसके उपलक्ष्य में हमारा साइकिल रैली कर रहे हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 856वीं जयंती व पृथ्वीराज स्मारक की रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 16 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन। एमपी नानकराम साइकिल वाला आनासागर सर्कुलर रोड से विशाल साइकिल रैली का आयोजन, विजेताओं को किया पुरस्कृत। वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 856वीं जयंती व पृथ्वीराज स्मारक के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति के तत्वाधान में 16 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों की कड़ी में शनिवार को एमपी नानकराम साइकिल वाला आनासागर सर्कुलर रोड से विशाल साइकिल रैली का आयोजन किया गया जो साइकिल वाला से शुरू होकर रीजनल कॉलेज चौपाटी, पुष्कर रोड से होते हुए रामप्रसाद घाट, बजरंगगढ़ चौराहा होकर वापस साइकिल वाला पर संपन्न हुई। रैली में बड़ी संख्या में बच्चे, युवाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया। साइकिल वाला के संचालक ललित नागरानी ने बताया कि आज के दिन ही नहीं हर युवा, बच्चे और आम व्यक्ति को साइकिल को अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। अधिक से अधिक साइकिल चलाने से जहां व्यक्ति स्वस्थ रहता है वहीं पर्यावरण को भी स्वच्छता व संरक्षण मिलता है। आज हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान रजत जयंती जो हमारा स्मारक लगा हुआ है तारागढ़ स्थित उसकी आज हम उसके उपलक्ष्य में हमारा साइकिल रैली कर रहे हैं। ये जो हमारा पखवाड़ा के रूप में हम जो पृथ्वीराज चौहान समिति के द्वारा ही बना रहे हैं आज साइकिल रैली का आयोजन है। इसके अंदर हम आज साइकिल वाला जो पुरानी चौपाटी के सामने स्थित है वहाँ से हम एक सांकेतिक साइकिल रैली निकाली है जिसमें करीबन 80 से 100 साइकिलिस्ट हैं वो यहाँ से साइकिलिंग अनासागर की परिक्रमा करते हुए वापस यहीं पुरानी चौपाटी पर एकत्रित होंगे। उसके बाद में जय घोष होगा, साथ में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में कुछ छोटी सी एक भूमिका बताई जाएगी, क्या उन्होंने हमारे जो हमारे सम्राट साहब थे उनके लिए, और अंतिम में सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और इसमें हमारे 18 लकी ड्रॉ हैं वो भी निकाले जाएंगे जो हमारे को 29 मई को हम इसको हम पुरस्कार वितरण के रूप में देंगे और अंतिम में हमारा एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट होगा और सबको हम से तो सब अजमेर वासियों को हम ये कहेंगे कि आप अपने नित्य रोज़ अपने साइकिल को बढ़ावा दें और रोज़ अपने साइकिल को अपने जीवन शैली में लाएं। धन्यवाद। वहीं सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति के कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि साइकिल रैली में शामिल हुए लोगों के बीच ड्रॉ निकाला गया जिसमें प्रथम 3 विजेताओं को हेलमेट, प्रथम 15 विजेताओं को टी शर्ट व अन्य को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 856वीं जयंती और उसके बाद सबसे बड़ा कि जो अजमेर में पृथ्वीराज जी का जो स्मारक बना हुआ है उसे बने 25 वर्ष हो गए। उस 25 वर्ष में को लेकर समारोह समिति व विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न लोगों को साथ में लेकर लगातार 16 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में आज एमपी नानकराम साइकिल वाला की तरफ से एक साइकिल रैली का आयोजन रखा गया। इस साइकिल रैली का जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि हमें आना सागर को बचाना है। इस आना सागर की चारों तरफ की परिक्रमा लगाकर जहां नानकराम जी के यहां से जो साइकिल वाला से ये रैली स्टार्ट हुई है और राउंड लेकर ये रैली रीजनल कॉलेज से लेकर वापस घूमकर राम प्रसाद घाट से बजंगड़ और बजंगड़ से वापस यहाँ साइकिल वाला के यहाँ पर ये रैली समाप्त होगी। युवाओं के अंदर पृथ्वीराज कौन है, पृथ्वीराज हमारे किस तरीके से हम लोगों की रक्षा करते हुए अपने उन्होंने प्राण त्याग दिए, उन सब चीज़ों को जो लोगों को नई पीढ़ी को जानकारी मिलनी चाहिए उन जानकारी को लेने देने के लिए इस रैली का जो आयोजन किया गया है। ये रैली जो है इसके बाद आज यहाँ पर लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। उन लकी ड्रॉ के अंदर जो प्रथम 3 आने वाले जो हैं उन्हें साइकिल वाला की तरफ से हेलमेट वितरित किए जाएंगे और कुछ टी शर्ट्स का भी प्लान किया है। जो 15 टी शर्ट हैं वो भी ड्रॉ द्वारा निकाली जाएगी जिन्हें 29 तारीख को होने वाले मुख्य समारोह सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो तलहटी के ऊपर बना हुआ स्मारक है वहाँ पर उन्हें सम्मानपूर्वक तरीके से वहाँ पर दिया जाएगा। सबसे बड़ी जो चीज़ है आज ये कार्यक्रम साइकिल वालों की तरफ से किया गया है। इनकी निश्चित तौर ललित नागरानी जी हमारी दीदी ने जिस तरीके से पूरे आयोजन को किया है और साथ साथ यहाँ पर अमर सिंह जी और बाकी जो लोग हैं सब साथ मिलकर पूरे कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से अंजाम देने का प्रयास किया है।
दूसरा ये कि ये रैली यहीं समाप्त नहीं होगी, ये रैलियां इस तरीके से चलती रहेंगी कंटिन्यू। इन तरीके के जो लोगों को जनजागरण है उन जागरण को जरूरी भी रहता है, और साइकिल चलाएं, अपनी हेल्थ को किस तरीके से आप कर सकते हैं उन सब चीज़ों करें। उसके अलावा लगातार जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, चाहे वो टेनिस का प्रतियोगिता हो, चाहे हॉकी की प्रतियोगिता हो, चाहे हॉकी प्रतियोगिता हो, चाहे नई पीढ़ी को इन सब चीज़ों को जानकारी देने की बात हो, उन सारी की जाएगी।